चाहती हूँ। माला जी ये बताएं, आपने पिछले कुछ वर्षों से बहुत प्रयास किया और हिंदी इन सब आप सबकी वजह से ही इतने स्कूलों में आई, तो मुझे ये बताएं कि क्यों हम इटालियन या ग्रीक या स्पेनिश दूसरी भाषाओं की तरह मुख्य धारा से अभी तक नहीं जुड़ पाए। अभी तक इतना जोर नहीं था, लेकिन क्योंकि भारत इतना भारत के साथ हमारे संबंध बहुत बढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, और बिजनेस के द्वारा बहुत सारी चीज़ों के द्वारा, जैसे कि जो प्रयास होते हैं भारतीय प्रवासी दिवस की जो होते हैं, उसमें सारा कुछ जागरूक, सारे लोग जागरूक होते हैं कि कितने संबंध हर एक स्तर पे वे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके द्वारा और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आगे आके अपने मंत्रियों से भी मांग की कि हिंदी की भाषा आनी चाहिए, तो इन सब की सहायता के साथ हमारा एक मैं अकेली तो कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन बहुत सारे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हमारे जो अध्यापिकाएं हैं बस, और जो हमारे लोकल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी सहायता के साथ आगे ये हिंदी की भाषा यहाँ तक पहुँची है। प्रोफेसर निहाल अगर जी, आप तो हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट रहे हैं और आपने भी एक कैंपेन किसी टाइम में मुझे याद है चलाई थी, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे और उसके माध्यम से यदि हम कुछ प्राप्त कर पाए हो तो वो भी बताएं। कई यूरोपियन लैंग्वेजेस कंपल्सरीली कई स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, जबकि उनकी संख्या, जनसंख्या उन लोगों की कम है और हमारे भारतीय लोगों की इतनी संख्या होते हुए भी इतने थोड़े से स्कूल में क्यों हमारी हिंदी नहीं है। तो अब ये तो इतिहास है अब, लेकिन अभी जैसा माला जी ने बताया, खुशखबरी यही है कि करिकुलम इस साल तैयार हो जाएगा और एक दो साल के अंदर ही भारत की तीन भाषाएं हिंदी, पंजाबी और तमिल उनमें इंक्लूड होंगी। अभी भी हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से हमारे स्कूल में हमारे बच्चों को हिंदी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पेरेंट्स मांगते ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा ये हमको पेरेंट्स को इकट्ठा करना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, उस हिसाब से हमको ये एक फोरम बना के अगर सारे लोग हम चाहें और पेरेंट्स को इकट्ठा करें, और पेरेंट्स अगर मेरे पास आ जाएंगे तो मैंने दो तीन पेरेंट्स को इकट्ठा करके उनको गाइड किया कि कैसे आपको अप्लाई करना विदाउट गेटिंग ऑन द ऑफेंसिव साइड, विदाउट गेटिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद द स्कूल, बिकॉज आई हैव एन एक्सपीरियंस। मतलब आपका ये कहना है कि पेरेंट्स को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। माला जी ने भी यही कहा था, पेरेंट्स को जरूर जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। हमने शुरुआत एक सेंटर के साथ की थी जो कि थॉनली वेस्ट पब्लिक स्कूल में सुबह हर संडे मॉर्निंग को पढ़ाए, जहाँ पे हम हिंदी पढ़ाते हैं, लेकिन अब हमारे 6 सेंटर्स हैं और बाकी सेंटर्स जो हमारे हमने खोले हैं मंडे टू फ्राइडे, ये डिफरेंट स्कूल्स में हैं। यहाँ की पहली न्यू साउथ वेल्स की हिंदी टीचर अर्चना चौधरी के ऊपर, अर्चना जी आप बताएं कि जब आपने 25 साल पहले हिंदी टीचर की तरफ ये नौकरी ली थी, तो वेस्ट राइट पब्लिक स्कूल दोस्तों ऐसा स्कूल है जिसने सबसे पहले मुख्य धारा की बात कर रही हूँ, मुख्य धारा में हिंदी शुरू की थी, तो इसके बारे में आप कुछ बताएं। वहाँ वेस्ट राइट में हिंदी कैसे आई, क्योंकि वहाँ की पीएनसी में काफ़ी सारे इंडियन पेरेंट्स जुड़े हुए थे और जैसे ही स्कूल में मैंड्रिन शुरू हुई उन्होंने कहा कि हमें हिंदी भी शुरू करनी है, और उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, प्रिंसिपल का सपोर्ट मिला और उन्होंने वहाँ पे हिंदी शुरू कर दी। बट उस समय यहाँ पे कोई हिंदी टीचर उन्हें नहीं मिल रही थी, तो जैसे ही मैं यहाँ आई उन्होंने मुझे जॉब दे दिया और उसके बाद मैं 24 साल से वहाँ हिंदी पढ़ा रही हूँ। मीनाक्षी आप संस्कृत स्कूल चलाती हैं, उसके पहले आप, और संस्कृत तो जैसा हमको पता है बहुत सारी भाषाओं की जननी है, माता है, तो हिंदी की भी, हिंदी का भी जन्म संस्कृत से हुआ था, तो आप ये बताएं संस्कृत स्कूल के बारे में और जो आप सिडनी यूनिवर्सिटी में हम लोग हिंदी पढ़ा रहे थे उसके बारे में और कैसे वो बंद हो गई 2 साल पहले से। Yeah, 2004 we started as a Hindi tutor there in the Sydney University. One thing we need to understand parents and the parents and the community leaders here,
more than 100 years back, all the Indian chairs were established in Australia. All the universities had a very vibrant, very strong Indological studies, in that we had Hindi as a main chair and the Sanskrit as a main chair. But unfortunately, lack of students, lack of funding, two things, we lost Hindi chairs in most of the universities of Australia. And Sanskrit is studied under the Department of Buddhist Studies, Religious Studies, but not as an Indian subcontinental studies. ये शोचनीय की बात है. हमारे विचारधारा ऐसी होनी चाहिए, जो कोई भाषा हो, भाषा जब सांप्रदायिक से, सांप्रदायिक रूप से अलग बनकर जब हिंदुस्तानी भाषा के जैसे पढ़ाई जाता है, तब उन लोगों में रुचि नहीं रहती. दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज. एक तो आप दासी रोड में हिंदी पढ़ा रही हैं, वहाँ पर आपको क्या चुनौतियाँ मिली देखने को, और कैसा आपका स्वरूप है वहाँ भाषा पढ़ाने का? जब हमने शुरुआत की तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और लेकिन अब जाके हम पूरे कह सकते हैं एस्टैब्लिश हो गए हैं. वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं और जो डेप्यूटी प्रिंसिपल हैं, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रही हैं. आज भी यहाँ आने से पहले डेप्यूटी प्रिंसिपल का फ़ोन आया मेरे पास, और उन्होंने कहा कि ऑल द बेस्ट, कुछ चाहिए है कुछ, तो हमें बहुत समर्थन मिल रहा है वहाँ की प्रिंसिपल और डेप्यूटी प्रिंसिपल से.